ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं, इमरान खान ये समझते हैं कि अगर फौज कमजोर होती है, आर्मी चीफ का इंस्टीट्यूशन कमजोर होता है तो फौज कमजोर होती है, और फौज कमजोर होती है तो मुल्क कमजोर होता है। लिहाजा हम उम्मीद ये करते हैं जनरल आसम बाजवा साहब से, तो हम ये उम्मीद रखते हैं, कौम ये तवक्को रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को मानेंगे और यहाँ पे पुरमन इंतखाबात जो है वो करा के देंगे, जो वाहिद हल है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने का। तहरीक इंसाफ ने ना तो कोई कैंपेन की है आर्मी चीफ के खिलाफ, ना ही करने का इरादा रखती है, और हम उनका एहतराम करते हैं और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान को सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा करेंगे, खसूसन इलेक्शन कमीशन के साथ तआवुन करें ताकि इलेक्शन हो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में और हम यहाँ से आगे बढ़ सकें। खैबर पख्तूनख्वा में आज हमने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल कर दी है, उसके जहाँ पे गवर्नर जो है वो इलेक्शन ही की डेट देने को तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से रात से गिरफ्तारियां शुरू हुई हुई हैं, लाहौर के अंदर 40 लोग जो है उनकी गिरफ्तारियां जाहिर कर दी गई हैं। नियाजी साहब को जमानत के बावजूद अदालत के अहाते से उठा लिया गया। अगर वकील को और जो वकील हसान की जमानत कराने गया था उसको भी साथ उठा लिया गया। अब अगर वकीलों की ये इस मुल्क के अंदर रहनी है इज्जत और अदालतों की ये इज्जत रहनी है तो मुझे आप बताएं आइन और कानून किधर चला जाएगा। मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गुजारिश करता हूं, आप इसको लाइटली ना लें। पूरे मुल्क में इस वक्त वकीलों को बेइज्जत किया जा रहा है और ज्यादातर एक धड़ा चूंकि वकीलों का बिक गया है, वो टाउटी कर रहा है इस वक्त हुकूमत की, उसके बल के ऊपर इस वक्त वकीलों को उठाया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, हसान नियाजी को फौरन रिहा किया जाए, तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार कारकुन है उनको फौरन रिहा किया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उसको फौरन रिहा किया जाए। आपसे कुछ देर बाद तौहीन अदालत का जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में आएगा, जिस तरीके से ये ऑपरेशन हो रहे हैं उसके ऊपर बातचीत होगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कल मोहसिन नकवी और आईजी जो पंजाब है इसके खिलाफ हम जा रहे हैं, एक तो जो जमान पाक के अंदर जो लूट मार की गई उसके खिलाफ पर्चा कराने, और उसके अलावा मरियम नवाज भी इसमें मुल्जम है, और उसके साथ साथ हम जो शहीद किया गया हमारा कारकुन जिल्ले शाह उसकी जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी हम अदालत से रजू कर रहे हैं। अदालतें अब वो वाहिद जरिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो खिताब किया है वो भी एक उम्मीद की लहर है पाकिस्तान में, क्योंकि सारी इस वक्त जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि क्या वो आइन बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अगर वो आइन बचा पाए, और हम तमाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को करते हैं वो आइन को बचाएंगे, वो आवाम के हकूक का ख्याल करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू। बताते हैं।